पर फिर से स्वागत है IPL 2018 में। आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए IPL की हर खबर के लिए। अभी हम बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर की। तो कोलकाता नाइट राइडर ने दूसरे दिन विनय कुमार को 1 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर ने अनकैप खिलाड़ी अपूर्व बानखाड़े को 20 लाख रुपये में खरीदा। KKR ने एक और अनकैप खिलाड़ी रिकू सिंह को 80 लाख रुपये में खरीदा। Under-19 विश्व कप खेल रहे ऑलराउंड खिलाड़ी शिवम माबी को कोलकाता ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा। कैमरन डेल पोर्ट को कोलकाता ने 30 लाख रुपए में खरीदा। मिशेल जॉनसन को KKR ने 2 करोड़ रुपए में, हेमन शियरलेस को KKR ने 30 लाख रुपए में खरीदा। KKR ने पहले दिन इन खिलाड़ियों को खरीदा, कौन कौन थे बताते हैं हम आपको। तेज गेंदबाज मिशेल स्टॉक को 9 करोड़ 40 लाख रुपए में अपने बेड़े में शामिल किया। ऑस्ट्रेलिया के तेज तर्रार खिलाड़ी क्रिस लेन को KKR ने 9 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा। दिनेश कार्तिक को 7 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा। रॉबिन थप्पा को 6 करोड़ 40 लाख रुपए में मुंबई ने खरीद लिया था, लेकिन KKR ने राइट टू मैच का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपनी टीम में बनाए रखा। पीयूष चावला को 4 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा। बेंगलोर की टीम ने कुलदीप यादव को 5 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा था, लेकिन कोलकाता ने अपनी एक बार टीम को राइट टू मैच का इस्तेमाल करते हुए उन्हें खरीद लिया। Under-19 विश्व कप खेल रहे भारत के लिए शुभमन गिल को KKR ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा। ईशांग जग्गी को भी KKR ने 20 लाख रुपये में खरीदा। Under-19 विश्व कप के तेज गेंदबाज कमलेश नागरकोट को 3 करोड़ 20 लाख रुपए में KKR ने खरीदा। नीतीश राणा को KKR ने 3 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा। तो ये थी दोस्तों पूरी टीम KKR की। आपको मैं बता दूं कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपको पल पल की खबर IPL की मिलती रहेगी। धन्यवाद, वो भी हिंदी में।